हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को अंजनी जी के किचन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, देसी अंदाज में। दोस्तों आज हम एक नया रेसिपी बनाएंगे, तो रेसिपी बनाने से पहले चलिए किचन की ओर चलते हैं। तो किचन में जा रहे थे, बर्गर बना रहे थे, किचन में जा रहे थे, बर्गर बना रहे थे, आपको खिला रहे थे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों किचन में आ गए हैं, तो स्वादिष्ट और लाजवाब ताजा ताजा बर्गर बनाएंगे देसी अंदाज में। तो सबसे पहले हम सामग्री ले आते हैं। दोस्तों बर्गर बनाने के लिए हम सारा सामान ले आए हैं, तो आइए हम दिखाते हैं क्या क्या सामान लाए हैं। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले बंधा लाए हैं, खेत का है, ताजा ताजा बंधा लाए हैं। टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, खीरा, प्याज, और ये हम बाजार से दुकान से ब्रेड लाए हैं। ये ब्रेड का बनाएंगे, और ऑलरेडी पहले से हम चटनी पीस लिए हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए तो हम चटनी पीस लिए हैं, धनिया लहसुन मिर्चाई का। तो सबसे पहले हम बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम हरा हरा जो सामान है, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, सबको काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चटनी को इधर ढक देते हैं, और इधर और खीरा को छील के अच्छी तरह से गोल गोल चिप्स के तरह काटेंगे। आया कोई सपनों में मेरे शहजादा हो, चुरा के मेरा दिल गया, चुरा के मेरा दिल गया। दोस्तों गाजर को, खीरा को हम अच्छी तरह से छील लेंगे, और अच्छी तरह से गोल गोल चिप्स डिजाइन में काटेंगे, एकदम पतला पतला, ताकि मेरा बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनेगा देसी अंदाज में। हमारे गांव देहात का बर्गर बनाने का स्टाइल है, आप लोग ठेला, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, हर तरह की दुकान में जाकर बर्गर खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा, खाइएगा, वाह क्या बर्गर बना है अंजनी जी का किचन में। एकदम सिंपल है दोस्तों, इसको बनाने में कोई टेंशन, फेतरा जी जो भी बोलिए, मेरे अंदाज में सब चलता है। तो ठीक है, ये प्याज है, प्याज क्या बोलता है दोस्तों एक बात बताते हैं, ये प्याज बोलेगा मैं कटू या मरू तेरे आंख में आंसू क्यों। तो मैं प्याज को देखकर तरस आता है, हम इसे काट रहे हैं, लेकिन ये बोलता है मैं कटू या मरू तेरे आंख में आंसू क्यों। तो अब हम बोलता है तो बोलने देते हैं, लेकिन काटेंगे इसको और रोएंगे हम। दोस्तों इसको तो काट लिए हैं, तो धो के अच्छे से दो पानी से और हम काटेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेते हैं, बंधा को भी काटने से पहले धोता है, काटने के बाद नहीं धोते हैं। ये चुकंदर है, अच्छा तरह से हम बारी बारी से धो लेते हैं, इसमें से कलर गिरता है दोस्तों, देखिए कैसे पानी लाल हो गया है। तो हम सबको धो लिए हैं, तो अब हम इसको काटेंगे, फिर दाई से काट लेते हैं, फिर दाई के मुंह पोछ देते हैं, गर्दा उर्दा पड़ल रहता है। दोस्तों इसको हम पतला पतला काटेंगे, गाजर भी काट लेते हैं, इसी तरह से हम सारे को काट लेंगे। सारे काट लिए हैं, तब हम ये देखिए इसमें उबला हुआ आलू है, इसमें थोड़ा हल्दी और नमक डाल कर मिला दिए, हम इसको बचका छानेंगे जो बर्गर में पड़ता है, तो हम इसको भी हम टिक्की भी बोलते हैं, तो हम लोग बचका भी बोलते हैं, तो इसको हम टिक्की बना लेंगे, तेल में फ्राई कर देंगे जो बर्गर में डालेंगे। तो चलिए हमारा सामान तैयार हो गया, तो सारा सामान हम तैयार कर लिए हैं, तो चलिए बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हा धराते हैं, धरा लेते हैं। तो चूल्हा धरा लिए है, तो कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, कढ़ाई गरम हो गया है, तो ब्रेड फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है, तो एक एक करके हम ब्रेड को फ्राई करेंगे।
छनल से बनाए ब्रेड फ्राई करते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि बर्गर मेरा स्वादिष्ट बनेगा। फूल गया है तेल में, तो हम इसको रख लेते हैं इधर और इसको हम फिर चलाएंगे। इसको उलट पुलट करके इसको होता है सिझाना। दोस्तों दोनों हम एक बार फ्राई कर लेते हैं। ये दोनों हो गया है तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसको भी डाल लेते हैं साथ। सारे हम फ्राई कर लिए हैं, तो सारा ब्रेड हम फ्राई कर लिए हैं तो हमें तो हम बर्गर में टिक्की डालने के लिए पहले हम टिक्की फ्राई कर लेते थे। इसको इस तरह से गोल गोल करके इसको चपटा करके ऐसे में डालेंगे हम। इसको आलू टिक्की बोला जाता है। टिक्की फ्राई हो गया है तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये बर्गर बनाने का देसी स्टाइल है, देखिए मेरे तरीके से। टिक्की तैयार है, मेरा सारा सामान तैयार हो गया, टिक्की भी छान लिए हैं। तो बर्गर बनाने के लिए हम ब्रेड को काटेंगे, इसमें काटते हैं और बनाते हैं। तो हम फिर दाएं से काट लेते हैं, तो इस तरह से हम काटेंगे इसको, इसी में हम रखेंगे काट कर। इसे इस पर रख के हम ऊपर से इसे मोड़ देंगे। तो हम ये पनीर वाला बर्गर बनाएंगे, दो टुकड़ा नहीं होता है, इस पर हम डालेंगे। पनीर भी काट लेते हैं। दोस्तों पनीर भी काट लिए हैं, तो फाइनली हम बर्गर तैयार करेंगे बनाकर। तो सबसे पहले हम ब्रेड में ये धनिया का चटनी लगाएंगे, इस तरह से हम चटनी लगाएंगे। दोस्तों चनिया के चटनी लगाने से बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा हरा भरा खुशबूदार आएगा और खाने में भी बहुत सुंदर लगेगा। चटनी तो डालना ही है, अगर आपको चटनी पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन चटनी भी डलाता है। तो हम ही डाल दिए हैं। इसके बाद हम इस पर बंधा को भी बिछाएंगे। देहात के तरीके से हम लोग ऐसे बना कर खाते हैं, मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसलिए हम बना रहे हैं। तो बंदा को भी हम डाल दिए हैं, तो सब पर हम एक एक प्याज डालेंगे। आपको लरछा वाला प्याज काट कर डालना है इस तरह से गोल गोल। प्याज डाल दिए हैं तो हम खीरा डालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनेगा दोस्तों देसी अंदाज में। आप लोग मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा और कमेंट में लिखिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, कर दीजिएगा। आप ही को बोल रहे हैं। टमाटर भी डाल देते हैं। गाजर भी डाल देते हैं। और चुकंदर है, सब में हम एक एक पीस चुकंदर भी डालेंगे। दोस्तों सब में हम एक एक पीस टुकड़ा पनीर के डाल देते हैं। पनीर के टुकड़ा डाल दिए हैं तो हम सब में टिक्की डालेंगे, एक एक टिक्की लगाएंगे। अब हम सॉस डालेंगे मीठा, और इसमें भी तीखापन होता है और
खाने में भी स्वाद लगेगा बहुत अच्छा। तो हम सॉस सब पर डाल देते हैं। टमाटर का सॉस है, टमाटर का सॉस डालने से बहुत स्वादिष्ट बनता है लगेगा। चिल्ली सब पर डाल देते हैं, तीखा चटपटा स्वादिष्ट लगेगा। भी डालता है, काला नमक भी डाल देते हैं। चाट मसाला डाल देते हैं। बंधा गोभी भी डाल देते हैं। दोस्तों हमको थोड़ा ज्यादा तीखा पसंद है, तो जो हम खाएंगे उसमें हम थोड़ा ज्यादा का चटनी डाल लेते हैं। मेरा बर्गर फाइनली बनके तैयार हो गया है। तो हम इसको इस तरह से, जो जिसका सेट है उसको हम सेट लगाते हैं। इस तरह से इसका सेट है, इस तरह से इसमें हम प्लेट में रखेंगे। सेट है मेरा बर्गर, देखने में बहुत लाजवाब और स्वादिष्ट लग रहा है। बर्गर को बना के हम तैयार कर लिए हैं, तो खा कर देखते हैं कैसा बना है। देसी अंदाज और बिहारी स्टाइल में, गांव देहात के तरीके से हम बर्गर बनाए हैं। तो बर्गर में हम कटोरी में डाल लेते हैं बर्गर को। तो बर्गर मेरा तैयार हो गया है, तो हम खा कर देखते हैं और बच्चा को भी खिला कर देखते हैं जो कैसा स्वाद बना है। बच्चों को देते हैं पहले खाने के लिए। दोस्तों ये मेरी बेटी है, देखिए मेरी बेटी को। तो हम बेटी को खिलाएंगे, और बेटी को अभी उतना फ्रेश बोलने नहीं आता है जो हमको ये नंबर देगी, तो फिर भी हम खिलाते हैं। हम खाते हैं और बेटी को खिलाते हैं, खाकर देखेगी और हम भी खाते हैं। दोस्तों बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बना है देसी अंदाज से। मेरी बेटी नंबर देती लेकिन उसको उतना फ्रेश बोलने नहीं आता है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे हमको नंबर मिल गया है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।